न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। एक बड़ी खबर, खरगोन के नंदगांव रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो की मौत हो गई जबकि एक घायल है जिसे जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि साईखेड़ी गांव के 3 बाइक सवार ग्राम जमोटी से अपने घर को लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने ओवरटेक किया जिसकी चपेट में आने से दो बाइक सवारों की मौत हो गई जबकि एक घायल का उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौत कायम कर मामला जांच में लिया है जिसकी विवेचना जारी है। वहीं दूसरा बड़ा हादसा खरगोन जिले के करई थाना क्षेत्र के ग्राम बरलाई में पैदल स्कूल जा रही 5 छात्राओं को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 छात्राएं घायल हो गई जिन्हें उपचार के लिए बड़वा अस्पताल लाया गया जहां एक छात्रा शीला पिता संतोष की गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर किया गया लेकिन इंदौर पहुंचने के पूर्व ही छात्रा शीला ने बलवाड़ा के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सभी छात्राएं मिडिल कक्षा में पढ़ती है और रोजाना की तरह आज भी सभी छात्राएं एक साथ घर से पैदल स्कूल जा रही थी। अस्पताल से तहरीर आई थी हमारे पास कि सिरलाई ग्राम सिरलाई में 5 बच्चे स्कूल से आ रही थी, पीछे से मैजिक वाले ने टक्कर मार दी थे जिससे 5 बच्चे घायल हो गई थी और सभी 5 बच्चों को यहाँ बड़वा लाया गया था और एक से ज़्यादा गंभीर चोट आने के कारण उसको इंदौर रेफर किया गया है। बाकी 4 बच्चों का सीएससी बड़वा में उपचार चल रहा है और घटनास्थल की तस्दीक करते मामला थाना कराही का होने से वहाँ भी जीरो क्राइमी करके एएसआई पाटिल साहब उसकी अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। वाहन अभी रवाना भी है, थाने भी ले गए हैं घटनास्थल से। वाहन चालक घटना से फरार है, अभी कुछ स्पष्ट तो नहीं हो पाई लेकिन जो तस्दीक करी मैंने तो वो जो रेफर किए थे वो इंदौर ले जा रहे थे तो बलवाड़ा के आसपास करीबन इसकी मृत्यु हो गई है। गाड़ी से एम्बुलेंस से वापस ला रहे हैं, बता रहे हैं। शीला पिता संतोष, कब की घटना? ये आज सुबह 11 बजे करीबन घटना है। वाहन महेश्वर तरफ से आ रहा था, पीछे टक्कर मार बड़ा तरफ आ रहा था।